गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज नया टॉपिक लेके आया आपका सामने, ग्रेट चैट है, पिकेरन ग्रेट चैट का। उसमें FG1 केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट रहते हैं पहले है उसका साथ 2 मिनट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है उसमें कॉम्पोजिशन है, किस रेंज में कॉम्पोजिशन रहते हैं ये भी डिस्कशन करेंगे आज का क्लास में। एक्चुअली इसमें ग्रेट चैट है, नेपाल है, वीडियो में आपका साथ और शेयर किया। आज FG1 केमिकल कॉम्पोजिशन है, सिर्फ इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें पिकेरन केमिकल कॉम्पोजिशन है FG1 का, आज का क्लास में आपका साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इसमें केमिकल कंपाउंड रहेगा Fe टोटल, मतलब है आयरन कंटेंट मेजर रहेगा 92 to 94 तक रहेगा। रिमेनिंग जो 6% रहेगा अपना कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, ये सब ऐड करने से 100% पिकेरन का जो केमिकल कंपाउंड बैलेंस हो जाता है। अभी मेजर कितना परसेंट रहेगा, 94 रहेगा। अभी सिलिकॉन 1% है, 2% डिफरेंस से अपना यील्ड बैलेंस हो जाता है। इसमें मेन है 92 Fe टोटल रहने से 8% है आपको इम्प्यूरिटी पार्टिकल रहेगा, 94 रहने से 6% रहेगा, 6 to 8% है इसमें बैलेंस हो जाता है कार्बन सिलिकॉन। मैंगनीज सल्फर फास्फोरस है नेग्लिजिबल क्वांटिटी में रहेगा, मेजर है कार्बन सिलिकॉन, इसका रिलेशन में 1% यील्ड बनने का चांसेस रहेगा। इसमें कार्बन कितना परसेंट रहेगा, सिलिकॉन कितना परसेंट रहेगा, मैंगनीज कितना परसेंट रहेगा, सल्फर कितना रहेगा, फास्फोरस कितना रहेगा, यही देखना है। यील्ड मतलब में Fe टोटल कॉम्पोजिशन है, मतलब कितना परसेंट रहेगा वो बोलने से पहले कार्बन कितना रेंज में रहेगा। इसमें कार्बन है FG1 पिकेरन में कार्बन रहेगा 3.5 to 4.5% है, सिलिकॉन रहेगा 2% से लेके 2.5% रहेगा, मैंगनीज रहेगा 0.5% से लेके 0.9 रहेगा, जनरली 0.7% मैक्सिमम मेंटेन कर सकता है। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट का चलते 0.2% बढ़ा सकता है। सल्फर रहेगा 0.020 से लेके 0.050 तक ये रहेगा। अपना फास्फोरस रहेगा 0.08 से लेके मैक्सिमम रहेगा 0.120, कभी कभी 0.01 बढ़ सकता है, 0.130 तक भी जा सकता है। FG1 जो पिकेरन का बाउंड्री ग्रेड FG मतलब है बाउंड्री ग्रेड पिकेरन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और एक बार देख लेते हैं। इसमें कार्बन रहेगा 3.5 to 4.5%, सिलिकॉन रहेगा 2 to 2.5%, मैंगनीज है 0.5 to 0.9%, सल्फर 0.020 to 0.050, फास्फोरस 0.08 से लेके 0.120। इसमें अंडर माइनस ए इम्प्योरिटी माइनस करने से कितना परसेंट आया Fe टोटल है, ये Fe टोटल अपना जो जो परसेंटेज है मिनिमम मैक्सिमम निकलने से 92 to 94 Fe टोटल फाइनल मिलेगा। इसमें कार्बन कितना कस्टमर रिक्वायरमेंट चाहिए उतना ही देना है, ज़्यादा देने से यील्ड घटने का चांसेस रहेगा, जितना सिलिकॉन बढ़ेगा उतना यील्ड घटते जाएगा।
मिनिमम परसेंटेज रख के कैस्ट आयरन का जितना चाहिए सिलिकॉन उतना रख के मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना FG1 ग्रेड छठ का आंसर। धन्यवाद।